दोस्तों कैसे हो। वेलकम टू योगी मित्रा कंप्यूटर्स बाय रविंदर सिंह योगी। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज एंड फन। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। नाउ कंटिन्यू ऑन वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रूफस के द्वारा बूटेबल पेन ड्राइव कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोम पे क्लिक करेंगे, रूफस टाइप करेंगे, RUFUS, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ से लेटेस्ट वाला जो रूफस है डाउनलोड कर लेंगे। क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ये बहुत ही छोटा और लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, सेकेंड डे में डाउनलोड हो जाएगा। और इसको यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। यस, अभी हमारा रूफस सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो गया। पेन ड्राइव को प्लग इन करेंगे अपने सिस्टम में, और जैसे ही हम पेन ड्राइव को प्लग इन करेंगे तो ये यहाँ पे डिवाइस का नाम शो कर देगा पेन ड्राइव का, ठीक है। अब यहाँ पे आया बूट सेलेक्शन, तो ISO इमेज हमें सेलेक्ट करनी है जो कि हमारे सिस्टम में ही होगी, तो सेलेक्ट करते हैं दिस पीसी एफ ड्राइव। ये विंडोज 10 प्रो की ISO इमेज है, इसको ओपन करेंगे। अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसमें इमेज ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, तो इमेज ऑप्शन आ रहा है स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन और विंडोज 2 को। स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन होता है हमारा पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए, और विंडोज 2 को होता है कि हमारा लाइव बूटेबल पेन ड्राइव बनते हैं। जैसे कि प्लग इन विंडोज होता है ना, कि डायरेक्ट लगाया और विंडोज ओपन हो गया, वो ऐसे। तो हम स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आ रहा है पार्टीशन स्कीम दोस्तों। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की वाली बात है, यहाँ पे हमें GPT की जगह MBR सेलेक्ट करना है। और MBR के बाद अब सारी सेटिंग हमारी सही है, टारगेट सिस्टम BIOS रहेगा। विंडोज का नाम दे सकते हैं पेन ड्राइव का, हम विंडोज 10 ही रहने देते हैं। फाइल सिस्टम NTFS में फॉर्मेट होगा, ठीक है, और सब कुछ रेडी है। अब हम स्टार्ट कर देते हैं, और ये हमें वार्निंग दे रहा है कि हमारा जो डेटा है पेन ड्राइव में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कंटिन्यू करने के लिए तो हम ओके कर देते हैं। दोस्तों अब हमारी ये पेन ड्राइव है बूटेबल बन चुकी है, तो अब इसको हम क्लोज कर देते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। पेन ड्राइव को अनप्लग करके प्लग करेंगे, और ये हमारी पेन ड्राइव में विंडोज की सारी फाइलें आ चुके हैं। तो इसका मतलब हमारी जो PD है वो बूटेबल बन चुकी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।